In this figure, the blocks A, B, C have masses 3 kg, 4 kg and 8 kg. 3, 4 and 8. The coefficient of sliding friction between any two surfaces is 0.25. Mu everywhere is 0.25. तो अगर ये स्लाइड करेंगे तो इसके बीच में म्यू एप्लीकेबल होगा, इसके बीच में होगा और इसके बीच में होगा। जो भी रिस्पेक्टिव मोशन करेंगे, रिलेटिव मोशन करेंगे, वहां म्यू एप्लीकेबल होगा। ए इज हेल्ड एट रेस्ट बाय ए मासलेस रिजिड रॉड फिक्स्ड टू द वॉल। ये एक वॉल के साथ में फिक्स किया हुआ एक रॉड है और ये भी ए इसके साथ फिक्स है। इसका ये मतलब है ए अपनी पोजीशन नहीं बदल सकता। ओके, ए इज हेल्ड एट रेस्ट बाय ए मासलेस रॉड फिक्स्ड टू द वॉल व्हाइल बी एंड सी आर कनेक्टेड बाय ए लाइट फ्लेक्सिबल कॉर्ड पासिंग अराउंड ए फिक्स्ड फ्रिक्शनलेस पुली। दिस इज द पुली। फाइंड द फोर्स एफ necessary to drag C along horizontal force. इसको हम यहाँ पर खींचना चाहते हैं, so we have to apply a force F. Okay? With constant speed. When we say constant speed, तो इसके पीछे हमें हमेशा क्या समझना है, क्या चीज जीरो है? Yes. Acceleration कितना? जीरो। Okay? Assume that arrangement shown in the figure B on C and A on B is maintained throughout. ये तीनों एक दूसरे के ऊपर हैं, गिरते नहीं हैं। ऐसा हमने मान लिया जितनी थोड़ी सी देर के लिए हम मोशन को मानते हैं। अब हमारे इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, आप क्वेश्चन को ढूंढिए। क्वेश्चन वाली लाइन कौन सी है? Find the force F, this. Which is necessary to slide it. Okay. ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमको इसमें से F निकालने के लिए क्या करना चाहिए? तो आंसर है कि F किसके बराबर होगा? मास इनटू एक्सीलरेशन इज वन थिंग। लेकिन यहां पर उतना सिंपल नहीं है, क्योंकि एक मास और उस पर सिंगल एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है। मास इनटू एक्सीलरेशन कब होता है? इसका मास और इसका एक्सीलरेशन। दैट्स राइट। हाउ मच इज द एक्सीलरेशन? जीरो। तो एक्सीलरेशन जीरो है, नेट एक्सीलरेशन जीरो है, दैट इज ट्रू। तो इससे हमारा सॉल्यूशन सीधे सीधे नहीं निकलता है। और सोचिए, अगर नेट एक्सीलरेशन जीरो है, इसका मतलब इसका नेट फोर्स जीरो है। हमसे नेट फोर्स नहीं पूछा जा रहा, हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ये वाला फोर्स कितना है। और हमको मालूम है कि जब हम ये फोर्स लगाएंगे तो फोर्स हमको लगाना पड़ता है। क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि यहां अपोज कौन कर रहा है? फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हमको फोर्स नहीं लगाना पड़ता। अच्छा, जब हम इसको आगे खींचते हैं तो इस सरफेस पर फ्रिक्शन किधर काम करता है? डायरेक्शन। ओके, जब हम इसको आगे खींचते हैं तो ये वाला स्ट्रिंग, ये वाला धागा, इसमें एक टेंशन आ जाएगा और उस टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी? टेंशन की डायरेक्शन पीछे की तरफ, ये टेंशन। ओके, अब ये बताइए यहां पर क्या हो रहा है? जब हम इसको आगे खींचेंगे, ये वाला धागा आगे आएगा तो ये किधर जाएगा? ये भी इस तरफ जाएगा, राइट साइड में। जब ये राइट साइड में जाएगा तो ये बी भी किधर जाएगा? राइट में। अगर बी राइट में जाएगा तो सी किधर जा रहा है? अभी लेफ्ट में। बी जा रहा है राइट में। इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। ये फ्रिक्शन किसको अपोज करेगा? ध्यान दीजिए, ये वाला फ्रिक्शन दोनों को अपोज करेगा। सी को लेफ्ट में नहीं जाने देगा और बी को राइट में नहीं जाने देगा। ये खास बात नोट करिए, ये मैंने देखा है आईआईटी में 3 बार सेम क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल इसी टाइप का। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इसके बीच में जो फ्रिक्शन आ रहा है, जब हम सिर्फ सी को देखेंगे तो वो फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर लेंगे?
सी इधर जा रहा है लेफ्ट पे, तो फ्रिक्शन किधर लेंगे? राइट पे. जब हम बी को कंसीडर करेंगे तो बी किधर जा रहा है? राइट पे, इसलिए फ्रिक्शन किधर? लेफ्ट. ओके, अब ये हमको मालूम है, ये वाला फ्रिक्शन सी के रेफरेंस में इधर काम करता है, बी के रेफरेंस में इधर काम करेगा. अच्छा, इसका टेंशन अगर टी है तो इसमें टेंशन कितना होगा? तो इसमें भी टेंशन कितना होगा? टी, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है इसलिए उसका टेंशन थ्रू आउट सेम रहेगा. अच्छा, ये टी इधर जाएगा, जब इसको खींचेगा टी ये, तो ए और बी के बीच में भी फ्रिक्शन है. जब बी आगे जाएगा तो ये फ्रिक्शन किधर काम करेगा? तो आंसर है ये इस तरफ काम करेगा फ्रिक्शन. ओके, ये हमारी सिचुएशन बनी. तो जब हम ये वाला फोर्स लगाते हैं तो हमको सी को खिसकाने के लिए किस किस को, किस किस का मुकाबला करना पड़ेगा, कितने फोर्सेस, और इसी चीज को क्लियर कट बनाने के लिए हमने जो टेक्निक बनाई है दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम, कि इस पूरे सिस्टम में से उस बॉडी को फ्री कर लो जिस पे हम कैलकुलेशन करेंगे. तो हम सी पे कैलकुलेशन करेंगे. सी, सी में हमने इस तरफ क्या लगाया? फोर्स एफ, यहां पर फ्रिक्शन का फोर्स लगा. ये इसका नाम हम देते हैं फ्रिक्शन वन. ऊपर वाली सरफेस में अगर सी इधर आता है तो ये वाला फ्रिक्शन इसको अपोज करता है. ये जो फ्रिक्शन है ये किस किस के बीच में है? सी और ग्राउंड. ये रहा सी और ये रहा ग्राउंड. ये वाला फ्रिक्शन जब ये इधर आता है तो ये फ्रिक्शन इसको अपोज करता है, अपोज करता है इसलिए हमने उसको इधर बनाया. फ्रिक्शन इस फोर्स को अपोज करता है. ये फ्रिक्शन किस किस के बीच में है? बी और सी. हमको किस किस का मुकाबला करना है? ये फ्रिक्शन का. ये इसके ऊपर घिसेगा तो उस फ्रिक्शन के बराबर भी हमको ये एफ लगाना पड़ेगा. और किसके बराबर? टेंशन. और किसको काउंटर करना है? टेंशन. तो ये रहा टेंशन. अगर हम इतना फोर्स लगाएं कि इस फ्रिक्शन को और इस टेंशन को तीनों के बराबर वो फोर्स हो जाए तो ये ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर देगा. अगर ये फोर्स ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन होगा, और अगर ज्यादा नहीं होगा तो क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा, नो एक्सेलरेशन. और हमको क्या दिया है? नो एक्सेलरेशन. तो ये फोर्स जो है इन तीनों के सम के बराबर है, ये हमको इक्वेशन मिला. तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम फिजिक्स वाले में क्या होता है, न्यूमेरिकल्स में, इक्वेशन कहां से शुरू करें. तो ये हमको एक इक्वेशन मिला, उसमें हमने वो क्वांटिटी इन्वॉल्व कर ली जो हमसे पूछी गई. यही हमारा टारगेट होता है फिजिक्स में, कि आप कैसे भी करके एक ऐसा इक्वेशन बनाइए जिसमें वो क्वांटिटी आ जाए. तो ये हमने बनाया. अब एफ इज इक्वल टू फ्रिक्शन सी जी प्लस फ्रिक्शन बी सी प्लस टेंशन टी. अब ये तीन चीजें हमको निकालनी हैं. ये हमारा एक इक्वेशन बना. नॉर्मली टेंशन को हम लोग पसंद नहीं करते और उसको कहीं ना कहीं से एलिमिनेट कर देते. कैसे एलिमिनेट करते? उसके दो इक्वेशन बनाते हैं और एक इक्वेशन से उसकी वैल्यू लाके दूसरे में रख देते. तो टेंशन और कहां इन्वॉल्व है? वेरी गुड, बी के साथ लगा हुआ. तो इसका यहां पर टेंशन की वैल्यू निकालने के लिए बताइए इक्वेशन क्या बनेगा. टेंशन इज इक्वल टू फ्रिक्शन बिटवीन बी एंड सी प्लस फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, और इधर से तीसरा कोई टेंशन नहीं है, इसलिए ये टेंशन की वैल्यू आ गई. इस टेंशन की वैल्यू को हम यहां रख सकते हैं. तो अब फोर्स कितना हुआ? फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शन सी जी प्लस फ्रिक्शन बी सी प्लस टेंशन. टेंशन की जगह
फ्रिक्शन बीसी प्लस फ्रिक्शन एबी, दिस इज इक्वल टू, ये बीसी बीसी दो बार ऐड हो गया, एक बार एबी और एक बार सी। अब ये फ्रिक्शन 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 आपने कैलकुलेट करना है, फ्रिक्शन का फॉर्मूला बोलिए, वेरी गुड, म्यू इंटू आर, फ्रिक्शन इज म्यू इंटू आर, आर इज ये हॉरिजॉन्टल केस है, हॉरिजॉन्टल सब रखे हैं और ऐसे स्लाइड करेंगे, ऐसे केस में हमने आर किसको कैलकुलेट करना है, एनजी या एनजी कॉस थीटा, एनजी, क्योंकि यहां पे थीटा क्या है जीरो, तो कॉस जीरो इज इक्वल टू वन, तो कितना हो गया एनजी, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, वेरी गुड, रिएक्शन अपवर्ड, तो यहां पर ए और बी इसके बीच में रिएक्शन, ये है नॉर्मल रिएक्शन ए टू बी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, पूरी वैल्यू ठीक से बताइए, म्यू फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू आर, आर की वैल्यू आर इन दिस केस इज इक्वल टू एम जी, करेक्ट, तो पूरा क्या हुआ म्यू इंटू, ये हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, फ्रिक्शन ए बी, बताइए म्यू इंटू मास ऑफ ए बी, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, जितने से ये इसको दबाएगा, ये इसको कितने से दबाएगा, 3 kg, तो ये mg कितना हुआ म्यू इंटू 3 इंटू 9.8 म्यू एम जी, दिखा दिया हुआ है, ओके टेन, तो ये क्या हो गया फ्रिक्शनल फोर्स फॉर ए बी, अब इधर आइए फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ बी सी बोलिए, दो सो बी राइट इट टू, दो बार है, सो फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ बी सी इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, इसका नॉर्मल रिएक्शन बी सी को दबाता है, बी सी को दबाता है सी, उतने से इसमें नॉर्मल रिएक्शन करेगा, बताइए ये कितना होगा, अरे सी की जगह आपको खड़ा कर देंगे या सी की जगह आप अपना हाथ रखोगे, आपके हाथ पे कितना वेट गिरेगा, 7, तो रिएक्ट हमको कितना करना पड़ेगा 7, तो 4 नहीं लेना, कितना लेना 7, राइट, तो इसको क्या लेंगे म्यू इंटू 7 इंटू जी, ये हमने क्या निकाला एफ बी सी, अब ले लो एफ सी जी, अब आप समझ गए एफ सी जी कितना लेना पड़ेगा म्यू इंटू सी को ग्राउंड को दबा रहा है कितने से 15 इंटू जी, ओके 15 इंटू 10, चलो कैलकुलेट करके बताओ म्यू की वैल्यू 0.25, अरे अब कितना हो गया टोटल म्यू 0.25 ले लेंगे 0.25 और अंदर ये आ गया 150 प्लस 140 प्लस 30 ये क्वेश्चन सुनिए, ए सर्कुलर डिस्क विद ए ग्रूव अलोंग इट्स डायमीटर, ये ग्रूव कटी हुई है बीच में से नाली जैसे कटी हुई है, ओके, ए ब्लॉक ऑफ मास 1 केजी इज प्लेस्ड हियर, ए ब्लॉक ऑफ 1 केजी इज प्लेस्ड, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 2/5 बिटवीन एनी टू सर्फेसेस, दिस 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 दो सर्फेस के बीच में फ्रिक्शन 2/5 होगा, The disc has acceleration of 25 meter per second square. इस पूरी डिस्क को हम इधर खींचते हैं। When we say disc has an acceleration,
इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक चीज बताइए, ये डिस्क घूम रही है कि नहीं घूम रही है? ओके, 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है। कौन सा एक्सेलरेशन है? लीनियर की रोटेशनल, दिस इज लीनियर। सेंटर ऑफ मास उसका आगे बढ़ रहा है, डिस्क घूम नहीं रही है। कहीं नहीं लिखा है दैट डिस्क इज रोटेटिंग। नॉर्मली हमारा माइंडसेट क्या है, हमको एक डिस्क दिखी मतलब घूम रही है, तो ऐसा नहीं है इस केस में, ये हमको ध्यान देना राइट। इसलिए हम इसमें कोई भी एमवी स्क्वायर अपॉन आर ऐसा फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। नॉर्मली हम लोग डिस्क को देखते ही चालू हो जाते हैं, डिस्क घूमेगी बाहर की तरफ फोर्स लगेगा एमवी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि उसके हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये डिस्क हैज एन एक्सेलरेशन 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इस तरफ डिस्क पूरी फेंक दी जाती है, यहां से ऐसे चलती है डिस्क। ओके, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू डिस्क। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू डिस्क, ये क्या चीज है? क्या डिस्क के रिस्पेक्ट में ब्लॉक कहीं दूर जा रहा है, तभी तो एक्सेलरेशन होगा ना। सोचिए, इमेजिन करिए, अगर ये डिस्क इधर जाती है तो ब्लॉक किधर जाएगा? ब्लॉक नीचे जाएगा, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि ये वाली सरफेस देखिए इस ब्लॉक को ऐसा दबाती है, इनर्शिया के कारण ब्लॉक वहीं खड़ा रहता है, ये वाली सरफेस उसको दबा रही है, लेकिन ये सरफेस खुद कैसी है? टेढ़ी है। तो जब ये इसको दबाएगी तो ब्लॉक किधर जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा, और ये एंगल इन्होंने हमको दिया है थीटा। ओके, तो जैसे ही ये आगे खिसकेगी ऐसे, ब्लॉक किधर जाएगा? फिसल के नीचे। अगर ये इस नाली में से, इस ग्रुप में से फिसल के नीचे जाएगा तो इसको अपोज कौन करेगा? वेरी गुड, फ्रिक्शन राइट। नीचे क्यों जाएगा? क्योंकि डिस्क आगे जा रही है, इसलिए ये इनर्शिया का लॉ क्या कहता है, अगर ये आगे जाएगा तो ये अपनी जगह पे खड़ा रहेगा। इसलिए अगर इसमें एक्शन होता है तो इसमें रिएक्शन होगा पीछे की तरफ। अब इसमें हमको इसका फ्रिक्शन निकालना है, एक छोटी सी चीज हमको और दी गई है, दैट इज कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू। थीटा इज सच दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगा हम इसको यूज कर लेंगे। फिलहाल हमको निकालना है क्या? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमको एक छोटी सी चीज मालूम है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, और इस ब्लॉक का मास हमको दिया है 1 kg। इसका मतलब हमको क्या निकालने की जरूरत है? फोर्स। अगर हम फोर्स निकाल लेंगे तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा, तो इस पर नेट फोर्स हमको निकालना है। नेट फोर्स किधर? नीचे की तरफ काम करता हुआ। अब ऐसी जब सिचुएशन आती है तो नेट फोर्स निकालना कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेट फोर्स कैसे निकाला जाता है? एक तरफ के फोर्सेस माइनस दूसरी तरफ के फोर्सेस, नेट फोर्स आ गया। अच्छा, अब इस पे हमको मालूम होना चाहिए, जब ये इधर आएगा तो इस पर एक कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ये हमको मालूम होना चाहिए। IIT में लॉज ऑफ मोशन में जितने क्वेश्चंस आते हैं उस सब में ज्यादातर एग्जामिनर का इंटेंशन ये रहता है कि आप फोर्सेस को पहचान रहे हो कि नहीं, फोर्स कहां लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, कितने फोर्स लग रहे हैं, 1, 2, 3, 4 सब। आप किसी को मिस तो नहीं कर रहे या कोई एक्स्ट्रा फोर्स तो नहीं लगा रहे, ये देखना उनका टारगेट रहता है। तो हमने इस ब्लॉक को बनाया, ये ब्लॉक ऐसा है, ये इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहते हैं। इस ब्लॉक पे इसके मोशन के कारण एक फोर्स लगता है हमको मालूम है, अगर ये खड़ा होता तो ब्लॉक भी खड़ा होता, क्योंकि ये आगे जा रहा है इसलिए ब्लॉक पीछे आ रहा है। ऐसे में ब्लॉक पे कितना फोर्स काम करेगा उसके इनर्शिया के कारण, इसको कैसे निकालते हैं, इसकी टेक्निक याद रखिए, ये आपको 10 questions में काम आएगी। किस तरह से, सुनिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसकी स्पीड है 5 meters per second।
तो इसके रिलेशन में ये कितना आगे जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड, ये चल रहा है, इंजन इसमें लगा है। अब मैं इसमें बैठा हूं तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरे नीचे की जमीन पीछे जा रही है। ट्रेन में यही होता है, हम ट्रेन में बैठ जाते हैं और क्या कहते हैं, बिलासपुर आ रहा है और बिलासपुर चला गया। क्यों? क्योंकि हम ट्रेन में बैठे, और चलता कौन है? ट्रेन। इसी तरह से अगर ये डिस्क ऐसा चल रहा है तो हमारे पास एक फैसिलिटी है, हम ये मान सकते हैं कि ब्लॉक खड़ा है, डिस्क चलता है, या हम ये मान सकते हैं कि डिस्क खड़ा है और ब्लॉक चलता है। यहां पे इन्होंने क्या बताया, ब्लॉक इधर जा रहा है 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, इसका एक्सेलरेशन है। अगर हम ये माने कि ब्लॉक फिक्स है, सॉरी डिस्क फिक्स है, तो हम क्या मान सकते हैं कि ब्लॉक आगे जा रहा है या ब्लॉक उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है। इधर कितने एक्सेलरेशन से? 25। फिर से सुनिए, ये इधर जा रहा है 25, ये कितना है? 0। दोनों के बीच सेपरेशन का एक्सेलरेशन बताइए, 25 25, और ये 0। अब देखिए, इसको हमने खड़ा कर दिया और इसको पीछे भगाया 25 से। अब दोनों के बीच सेपरेशन का एक्सेलरेशन कितना है? 25। पहले भी कितना था? 25। तो इन दोनों के बीच सेपरेशन का एक्सिलरेशन 25 है। अगर मैं इसको पकड़ लेता हूं तो ये ऐसा आगे बढ़ गया, और अगर इसको पकड़ लेता हूं तो ये इधर चला गया। दोनों का मतलब एक ही होता है, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। तो जब भी हमको ये दिया रहेगा कि एक बॉडी पर ऐसे एक्शन हो रहा है और दूसरी बॉडी को हम कुछ नहीं कर रहे, तो इनर्शिया के कारण कितना रिएक्शन पैदा होगा? तो आंसर है इक्वल टू एक्शन। तो हम ये मान लेते हैं कि डिस्क अपनी जगह पर खड़ी है, तो ब्लॉक पे कितना फोर्स लगेगा? इस तरफ, इक्वल एंड अपोजिट। तो ब्लॉक पर इस तरफ फोर्स लगता है, कितना फोर्स लगता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। किसके कारण? ड्यू टू डिस्क मोशन। ये तरीका याद रखिएगा, ये आगे बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगा। जैसे ये यहां पर हमने एक ब्लॉक को रख के छोड़ दिया, ये ब्लॉक नीचे खिसकता है, यहां ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, हम क्या देखते हैं? ये पीछे चली जाती है। इस पे कौन फोर्स लगा है? ये इधर खिसक रहा है। तो आंसर ये है, जब हम कैलकुलेशन करने जाते हैं तो हम क्या मानते हैं कि अगर इसका कुछ एक्सेलरेशन दिया है, तो ये ब्लॉक अगर इधर ए से जा रहा है तो इस पर इधर एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, अगर ये इधर ए से जा रहा है तो इस पर ए इधर लग रहा है। एक चीज पर हम फोर्स लगाते हैं और दूसरे पे मान लेते हैं कि इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है। ओके, वो अलग एग्जांपल है, जब वो आएगा तब देखेंगे। अभी इसको देखिए, तो इस ब्लॉक पर मास इनटू एक्सेलरेशन इस तरफ कितना लगेगा? ये इसकी कैलकुलेशन हमारे पास है, ये रहा एक्सेलरेशन और वो रहा मास। अब यहां पर ये जब इस एक्सिलरेशन से इस पर इधर फोर्स लगेगा ऐसे, तब हम क्या मान लेंगे? ये कैसा है? स्टेशनरी, दोनों एक साथ में। अगर ये खड़ा था ये चल रहा था, अगर इसको हमने खड़ा मान लिया तो ये चल रहा। अगर इस पर फोर्स लग रहा है तो इस फोर्स के हम दो कंपोनेंट बना सकते हैं, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा। ये कंपोनेंट कितना होगा? F cos थीटा। और ये कंपोनेंट कितना होगा? F sin थीटा। ठीक है, इस F sin थीटा के कारण ब्लॉक इधर जाना चाहता है, इस F cos थीटा के कारण ब्लॉक इधर जाना चाहता है। ये दोनों कंपोनेंट किसके हैं? ये दोनों इस F के कंपोनेंट हैं। ये F कहां से आया? तो आंसर है, चूंकि डिस्क आगे बढ़ता है इसलिए ब्लॉक पीछे फेंक आता है, यही होता है ना। तो डिस्क जैसे ही आगे बढ़ा, ब्लॉक पीछे फेंकाया, कितने फोर्स से? सेम एक्सेलरेशन से। और इसका फोर्स कितना लेंगे हम? मास इनटू एक्सेलरेशन। ये जब इधर फोर्स लगता है तो ये दो कंपोनेंट बन जाते हैं, तो इस कंपोनेंट के कारण ये ऐसे खिसकना शुरू करता है, इस कंपोनेंट के कारण ऐसे जाता है। अब ये ग्रुप में फंसा हुआ है, इधर दीवार है, अगर इधर वॉल है तो ये इधर तो नहीं जा पाएगा,
इधर नहीं जा पाएगा क्योंकि ये इसको रिएक्ट करके रोक देती है और ये इधर नहीं जा सकता। जितना इसका एफ साइन थीटा है उतना ये इधर रिएक्शन पैदा करता है, ये वाला रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन बाय दी वॉल, नॉर्मल रिएक्शन बाय दी वॉल, ये एफ साइन थीटा को बैलेंस कर लेता है। अब ये वाला जो फोर्स लगता है, इधर रास्ता खाली है तो ये ब्लॉक इधर चलना शुरू कर देता है, और अंडर फोर्स कोई चीज चलती है तो उसमें एक्सेलरेशन आता है, तो इसलिए इस ब्लॉक में एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये हमको काउंट करना है कितना, तो एक्सेलरेशन हमको मालूम है तो हम फोर्स काउंट करते हैं। लेकिन यहां पे हमारा फिजिक्स का नॉलेज काम आएगा, क्या एफ कॉस थीटा पूरा का पूरा फोर्स इसको एक्सेलरेट करने के काम में आ रहा है, इज इट द नेट फोर्स या कोई इसको अपोज करता है? वेरी गुड, कौन अपोज करता है? फ्रिक्शन। ये तय हो गया। तो नेट फोर्स हम कैसे निकालेंगे? नेट फोर्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा माइनस फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन। ओके, फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन के लिए क्या चाहिए? दो सरफेस जिसमें रिलेटिव मोशन। अब बताइए ब्लॉक को कौन सी सरफेस है जो फ्रिक्शन क्रिएट कर रही है? फिर से देखिए, नाली बनी हुई है, इसमें ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। अब जब ये ब्लॉक इधर खिसकने की कोशिश करता है ऐसे, तो फ्रिक्शन कौन क्रिएट करेगा? दो चीजें मैं ऑप्शन आपको देता हूं, फर्श है और ये दीवार है। इस पर फोर्स किधर लग रहा है? एक्चुअली इधर। जब इधर फोर्स लग रहा है तो इधर जाता क्यों नहीं? कौन ब्लॉक कर रहा है? दीवार। तो हम क्या करते, रगड़ते हुए उसको ऐसे ले जाते, एक फ्रिक्शन आ गया यहां, तो कौन दे रहा है फ्रिक्शन? दीवार। अच्छा, इसका वेट किधर काम करता है? नीचे। और हम इसको ऐसे रगड़ते हुए लेके जा रहे हैं तो फ्रिक्शन कौन देता है? फर्श। इसका मतलब इसको टोटल फ्रिक्शन कौन देता है? फर्श भी देता है और दीवार भी देती है, ठीक है, दोनों देते हैं। तो नेट फोर्स हम कैसे निकालेंगे? सामने लगने वाला फोर्स कितना? माइनस फ्रिक्शन बाय द वॉल एंड फ्रिक्शन बाय द फ्लोर। इसका नाम हम दे देते हैं फ्रिक्शन बाय द फ्लोर, फ्रिक्शन बाय फ्लोर। और दूसरा, यहां पर दीवार के साथ जो सटा हुआ है ये कौन है? फ्रिक्शन बाय द वॉल। दोनों किधर फोर्स लगा रहे हैं? पीछे। और सामने कौन फोर्स लगा रहा है? एफ कॉस थीटा। तो नेट फोर्स कैसे निकलेगा? नेट फोर्स एफ कॉस थीटा, ये इस तरह, माइनस फ्रिक्शन बाय द वॉल एंड फ्रिक्शन बाय द फ्लोर। और मुझे लगता है इसके बाद ये आपसे बनना चाहिए। एनीवे, फिर से हम और आगे बढ़ते हैं। इज इक्वल टू नेट फोर्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। एफ क्या चीज है? फोर्स। ये फोर्स इस फोर्स के बराबर है, सॉरी, ये दोनों का एक्सेलरेशन बराबर है। तो इसका फोर्स कितना हुआ? मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कितना? 25। ये जब 25 से डिस्क आगे बढ़ी तो इसको भी धक्का पीछे की तरफ लगा, कितने एक्सेलरेशन से? 25। तो ये 25 एक्सेलरेशन, ये इसका मास, तो पीछे की तरफ लगने वाला फोर्स कितना हो गया? यस, एफ इज इक्वल टू एम ए। और एम कितना है? 1। ए कितना है? 25। 1 मल्टीप्लाइड बाय 25, सो दिस कम्स टू 25 न्यूटन। ये क्या चीज है? ये वाला एफ, ये वाला एफ। तो इसी को हमने यहां पे लिखा 25 इंटू कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शन बाय द वॉल। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू की वैल्यू, ओके, पहले म्यू लिख देते हैं। म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, कहां है नॉर्मल रिएक्शन? तो दीवार का नॉर्मल रिएक्शन ये है, और ये नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है? है, ये हमारे यहां पर काम आता है, दिस म्यू इंटू एफ
साइन थी। ये हमने किसकी वैल्यू निकाली, फ्रिक्शन ड्यू टू वॉल प्लस फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लोर म्यू इंटू आर। ये कौन सा आर लेना है, जो फ्लोर के कारण आर है, और फ्लोर का आर किसके बराबर होता है, एम जी, और इसका एम कितना है वन, और जी की वैल्यू टेन, म्यू इंटू एम इंटू जी। ये कौन हो गया, फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लोर। ये म्यू की वैल्यू आपको मालूम है टू अपॉन फाइव, थीटा की वैल्यू कॉस थीटा मालूम है, साइन थीटा मालूम है, दोनों मालूम है। अब इन सब की वैल्यू रखते जाते हैं, 25 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा इज 4 अपॉन 5 माइनस म्यू इज इक्वल टू 0.25, म्यू कहां गया 2 अपॉन 5 इंटू एफ, एफ की वैल्यू नेट फोर्स 25 न्यूटन, 25 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 3 अपॉन 5 प्लस म्यू, म्यू की वैल्यू अगेन 2 अपॉन 5 इंटू 10, दिस इज इक्वल टू 5 5 5 4 20 माइनस, और इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 अपॉन 5 बाहर आ जाएगा एंड दिस विल बी 15 प्लस 4, 5 2 10, 2 upon 5 को हमने बाहर निकाल दिया, दिस इज 10, 2 upon 5 बाहर निकाल दिया, सो दिस इज 15 प्लस 10, 15 प्लस 10 25 को इससे कैंसिलेशन किया, ये क्या निकला जो हम यहां से शुरू किए थे, व्हाट इज दिस फोर्स, नेट फोर्स, ये है नेट फोर्स। अगर ये नेट फोर्स है और हमको आंसर चाहिए एक्सीलरेशन, तो बहुत आसान है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास इज इक्वल टू 10 अपॉन 1 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ये हमारा आंसर है, राइट। अब इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको नहीं आती थी, तो हमें क्या चाहिए, फिर से मैं रिपीट करूंगा, जब आप आईआईटी का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहली चीज ये है कि हमें हड़बड़ाना नहीं चाहिए। इतने सारे इक्वेशन हैं, तो कभी हम पहले इक्वेशन को सोचते हैं और उसको आधा सोच के दूसरा सोचना शुरू कर देते, दूसरा अभी पूरा सोच नहीं पाते, आधा सोचते हैं तो तीसरा सोचना शुरू करते हैं और सब आपस में गड़बड़ हो जाता है। इसलिए एक चीज को सोचिए, उसको पूरा लिख लीजिए, फिर उसको नंबर 1 दीजिए, फिर दूसरी चीज को सोचिए, उसको पूरा लिखिए, नंबर 2 दीजिए, ऐसे जितने समझ में आते हैं सब इक्वेशन लिखते जाइए, पहले बिना सोचे कि मैं कैसे सॉल्व करूंगा लिखते तो जाइए, 1 2 3 4 5 जितने इक्वेशन बनते सब, उसके बाद आप देखिए कौन कौन से इक्वेशन हमारे काम के हैं, काम के हैं मतलब जिस क्वांटिटी को हमने निकालना है वो किस किस में आई है, उस इक्वेशन को रखेंगे, जिस क्वांटिटी के क्वेश्चन में जो क्वांटिटी दी गई है वो किस किस इक्वेशन में आई है उस इक्वेशन को रखेंगे, बाकी इक्वेशन रिजेक्ट करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, बराबर सॉल्व होगा। सो यू हैव टू मेंटेन योर कूल व्हेन यू आर डूइंग द आईआईटी न्यूमेरिकल्स, और अदरवाइज इनमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती है कि आप नहीं कर सकते, लंबे होते हैं थोड़ा, ठीक है लंबा होना पड़ेगा, एडवांस आईआईटी के क्वेश्चन हैं तो इसलिए थोड़ा सा बड़े तो, राइट। तो इस तरह से ये सॉल्व होगा, फिर से जब ग्रुप में कोई चीज आएगी दोनों फ्रिक्शन काम करेंगे, दोनों अपोज करेंगे, वन ड्यू टू वॉल वन ड्यू टू फ्लोर, फ्लोर वाले की कैलकुलेशन कैसी होगी, म्यू इंटू एम जी, वॉल वाले की कैसी होगी, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन विच इज एफ साइन थीटा। अब दोनों फ्रिक्शन कहां काम करेंगे, आंसर दोनों फ्रिक्शन की डायरेक्शन के लिए कंफ्यूज मत होइए कि ये इधर है ये ऊपर है, फ्रिक्शन किधर काम कर रहे हैं, देखिए
फ्लोर के कारण नॉर्मल रिएक्शन किधर है? ऊपर। दीवार के कारण नॉर्मल रिएक्शन किधर है? इधर। तो फ्रिक्शन किधर काम करेगा? तो हमारा आंसर है कि फ्रिक्शन के लिए हमको इधर उधर मत दिखाइए। क्या दिखाइए? इंटेंशन ऑफ मोशन किधर है, ये दिखाइए। इंटेंशन ऑफ मोशन किधर है? सामने। इसलिए सब फ्रिक्शन किधर काम करेंगे? पीछे। समझ आया? ये तो हमारे नॉर्मल रिएक्शन है जिसके कारण हम फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे, पर डायरेक्शन के लिए हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? विच डायरेक्शन इज द इंटेंशन ऑफ मोशन, जिधर इंटेंशन ऑफ इसको इधर खिसकना है, सब के सब फ्रिक्शन मिलके किधर काम करेंगे? इस तरफ काम करेंगे, भले फर्श के कारण हो, भले वॉल के कारण हो, भले किसी भी कारण से। समझ में आ गया? इस तरह से आपको इसको सोचना है। बनेंगे फिर आगे। इस क्वेश्चन को सोचिए, दो वॉल है तो हमने फ्रिक्शन एक दीवार से क्यों लिया? ये आप बड़े आराम से सोच सकते हो, ये दो दीवारें हैं और ये ऐसा ढकेल रहा है, तो इसको एक दीवार ढकेलेगी कि दो? एक। इसलिए फ्रिक्शन एक वॉल से लेंगे, दो वॉल से नहीं। ये दो लैडर्स हैं, इन लैडर को हमने ग्राउंड पे रखा, दोनों का मास m है, लेंथ l है, यहां से यहां तक लेंथ कितनी लेनी है? l, l। इसका मास भी कैपिटल m है, इसका मास भी कैपिटल m है। मास कहां काम करता है किसी बॉडी का, किस पॉइंट पर? सेंटर ऑफ मास पे। तो उस पर फोर्स किधर काम करता है? अर्थ की तरफ। तो इसका ये रहा सेंटर और यहां से नीचे फोर्स काम करेगा कितना? ये इसका सेंटर, यहां से नीचे काम करेगा। ओके, अगर ये हमने यहां पर एक वेट लटकाया हुआ है जो कि डायग्राम में दिया है, तो ये भी नीचे काम करेगा mg। द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब कि ये दोनों पैर ऐसे फैल के फिसल नहीं रहे हैं और ये इक्विलिब्रियम में है। Then find direction and magnitude of frictional force acting at A and B। ये पैर इधर फिसल के क्यों नहीं जाता? ऐसे फिसल क्यों नहीं जाता है? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन काम करता है। जब ये इधर फिसलना चाहता है तो फ्रिक्शन काम करेगा, बताइए किधर? लेफ्ट की राइट? राइट। तो यहाँ पर फ्रिक्शन का फोर्स काम करता है F। ये जब ग्राउंड पर यहां पर टिका है, जिस जगह पर कांटेक्ट होता है वहां पर नॉर्मल रिएक्शन काम करता है। कहां काम करता है? जहां पर कांटेक्ट होता है। तो यहां पर इसने ग्राउंड को दबाया और ग्राउंड ने इसको दबाया, तो यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन होगा और एक नॉर्मल रिएक्शन यहां पर होगा। ये नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, हमको फ्रिक्शन का फोर्स निकालना है और फोर्सेस के बारे में सोचिए। हम क्वेश्चन को देखते ही फोर्सेस के बारे में सोचते हैं। सेंटर ऑफ मास पे उसका वेट काम करेगा। ये एक इन्होंने यहां बॉक्स लटका दिया है, ब्लॉक, एम दिया है मास, तो वो मास कितना काम करेगा? एम जी। ये इधर फिसल के नहीं जाना चाहिए, इसलिए इधर कितना काम करेगा? फ्रिक्शन। ये इधर मत फिसले, इसलिए इधर क्या काम करेगा? फ्रिक्शन। ओके, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। यहां पर ये दोनों एक दूसरे से ऐसा जुड़े हुए हैं, जितना ये इसको दबाता है उतना ही ये भी इसको दबाता है। तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शंस कैसे होंगे? तो यहां पे इसने इसको इधर भी दबाया, ये एन वन, तो इसने इसको इतने ही फोर्स से इधर दबाया, ये भी एन वन। क्यों? इक्वल एंड अपोजिट है, अदरवाइज ये मूव करना शुरू कर देता, राइट? ये हो गया एन वन एंड एन। इस तरह से इतने फोर्सेस इस पर काम कर रहे हैं। अब इतने फोर्सेस काम कर रहे हैं और हमको F की वैल्यू निकालनी है। हमको दी गई क्वांटिटी कौन सी है? ये एक चीज याद रखिए, गिवन क्वांटिटी हमको मालूम होनी चाहिए। जो क्वेश्चन में दी जाती है वो गिवन क्वांटिटीज होती हैं। गिवन क्वांटिटीज हैं मास ऑफ द लैडर m, स्मॉल मास ऑफ द ब्लॉक जो कि यहां पर ये सस्पेंड किया गया है,
इसकी लेंथ एल और जी तो हमको मालूम है, इट इज अ गिवन क्वांटिटी। इतनी क्वांटिटीज हमको मालूम है और निकालना क्या है हमको, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये हमारा न्यूमेरिकल। अब इस न्यूमेरिकल को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने हैं, हम इक्वेशन सोचते हैं, वो इक्वेशन सोचते हैं जिसमें एफ आता हो और जिसमें और जो भी आपके मन में आता हो वो इक्वेशन सोचिए। शब्द किसको आप पकड़ेंगे, तो आंसर है जिस क्वेश्चन में शब्द दिया हो इक्विलिब्रियम उसको पकड़ लीजिए। इक्विलिब्रियम जहां शब्द दिया है वो आपको क्या देगा, बहुत कुछ देगा। कैसे, ऊपर लगने वाले फोर्सेस इक्वल टू राइट में लगने वाले फोर्सेस इज इक्वल टू लेफ्ट में लगने वाले फोर्सेस, दो इक्वेशन। तीसरा, एक टॉर्क जो क्लॉकवाइज घुमाता है दैट इज इक्वल टू टॉर्क विच इज एक्टिंग एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम टॉर्क कैलकुलेट कर सके एक इक्वेशन मिल जाएगा, ऊपर नीचे के फोर्स कैलकुलेट कर सके दूसरा मिल जाएगा, लेफ्ट राइट के कर सके तीसरा मिल जाएगा। अब इसमें देखिए कुछ दिखता है, ऊपर नीचे तो क्लियर कट दिख रहा है, बताइए नीचे कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं। अच्छा अब हम क्या करते हैं, इसमें एक और एक दो बॉडी है, तो दो बॉडी होने से दोनों एकदम सिमेट्रिकल है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सो लेट अस टेक ओनली वन बॉडी इन इक्विलिब्रियम फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हमने क्या किया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हमने ये ए वन और ये जो वन लैडर है, ये लैडर हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाती है थीटा। इस वन लैडर पर कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं, ये किधर काम कर रहा है नीचे एंच, ये यहां पर ऊपर कौन सा फोर्स काम कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन, इधर कौन सा फोर्स काम कर रहा है फ्रिक्शन, इधर कौन सा फोर्स काम कर रहा है एन वन, इधर कौन सा फोर्स काम कर रहा है, थोड़ा सा करेक्शन कर लो, एन जी दोनों को मिलाकर लटका है तो एक पे कितना ले लेंगे हम, इट इज लॉजिकल, ठीक है, हाफ एम जी इस पे हाफ एम जी उस लेटर के केस पे, दो डायग्राम की हमको जरूरत नहीं है, एक से हमारा काम हो जाएगा, इसलिए हमने उसको एम जी लिखा, ये वाले फोर्सेस। अब बताइए ऊपर वाले लगने वाले फोर्सेस और नीचे जाने वाले फोर्सेस कौन है जो इस लेटर को ऊपर ले जा रहे हैं, एंड कौन है जो इसको नीचे ले जा रहा है, बस यही है, और कोई फोर्स ऊपर नीचे नहीं है, और ये बॉडी ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती है, इसलिए ये दोनों कैसे हैं इक्वल, दिस इज वन इक्वेशन। ओके लेफ्ट राइट का इक्वेशन बताइए, वेरी गुड, एन वन इज इक्वल टू एफ, इस पूरी बॉडी पे लेफ्ट लगने वाला कौन सा एन वन, राइट लगने वाला एफ, एन वन इज इक्वल टू एफ, ये हो गया दो इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन, अब और कोई लाइन नहीं है जिस पर हम फोर्स कैलकुलेट कर सके, लेकिन इससे हमारा काम नहीं चलेगा, एफ नहीं निकाल पाएंगे हम, क्योंकि अननोन क्वांटिटीज ये एन है और ये एन वन है, इनका आपस में ही रिलेशन हमको नहीं मालूम, एन एन वन और एफ ये तीन चीजें हैं जिसमें हमको एफ की वैल्यू निकालनी है, तो तीन इक्वेशन चाहिए राइट। तो तीसरा इक्वेशन मैथमेटिक्स कहती है तीन अननोन क्वांटिटीज थ्री इक्वेशंस, तो तीसरा इक्वेशन, अब फोर्स के इक्वेशन खत्म हो गए तो किसके इक्वेशन शुरू करेंगे, टॉर्क के, फोर्स से खत्म हो गए तो टॉर्क के इक्वेशन आप शुरू करते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन कहां है, तो इसका आंसर है जहां हमारी मर्जी है वहां हम मानेंगे, जहां कन्वीनियंट हो वहां हम पॉइंट ऑफ रोटेशन मान के उसके चारों तरफ टॉर्क निकालना शुरू करेंगे। नेट टॉर्क कितना आएगा, जीरो, क्यों, क्योंकि बॉडी घूम नहीं रही है, इक्विलिब्रियम, तो हमको मालूम है
नेट टॉर्क हमको जीरो लेना है, नेट टॉर्क जीरो। अब हमको ओरिजिन चाहिए जिसके चारों तरफ हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, और यहीं पर खेल है। ओरिजिन हमने मानना है और वहां से डिस्टेंसेस नापने हैं, तो हम ऐसा पॉइंट को ओरिजिन मानेंगे जिसमें से ज्यादा फोर्स पास होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से उन सब फोर्सेस का डिस्टेंस कितना होगा? जीरो। तो सबका टॉर्क क्या होगा? जीरो। हमको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा और हमारी अननोन क्वांटिटीज कम हो जाएंगे। इसलिए ऐसे पॉइंट को ओरिजिन मानिए जहां से खुद ही बहुत सारे फोर्सेस पास होते हो, लेकिन वो फोर्स पास नहीं होता हो जो हमने निकालना है, क्योंकि अगर वो जीरो बन के गायब हो गया तो हम कैलकुलेट किसको करेंगे? तो हमने क्या निकालना है? एफ। हमारे पास दो पॉइंट है, तीन पॉइंट है, इसको हम ओरिजिन मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं। अगर इसको मानेंगे तो इन दोनों का टॉर्क जीरो हो जाएगा, इसको मानेंगे इन दोनों का जीरो हो जाएगा, इसको मानेंगे इसका जीरो हो जाएगा। इसमें सिर्फ एक का जीरो होगा, इसमें दो के, इसमें दो के। इसलिए इसको तो नहीं मानते, या तो इसको लेते हैं या इसको ओरिजिन लेते हैं। किसको लेने में फायदा है? एफ तो हमको निकालना है, इसलिए हम इसको जीरो नहीं करना चाहेंगे। तो फैसला हो गया किसको ओरिजिन मानेंगे, ये ऊपर वाला पॉइंट, क्या नाम है इसका? बी। ओके, तो ओरिजिन मानने का आर्गुमेंट समझ में आया? किसी को भी ओरिजिन हम मान सकते हैं, पर हम अपना स्वार्थ देखते हैं, किसको मानते हैं जिससे हमारा सॉल्यूशन निकलता हो। ज्यादा से ज्यादा टॉर्क जीरो हो जाए, हमारी कैलकुलेशन कम हो जाए और वो वाली क्वांटिटी बच जाए जिसको हमने निकाला। ओके, लेट पी बी ओरिजिन या पॉइंट ऑफ रोटेशन, दैट इज बेटर। पॉइंट ऑफ रोटेशन, तो यहां से हम डिस्टेंस लेते हैं। ओके, शुरू करते हैं। एनवन ने यहां पे कितना टॉर्क बनाया? जीरो। क्यों? एनवन का बी इधर इधर, एनवन का बी से कितना डिस्टेंस है? जीरो। तो ये वाले फोर्स का टॉर्क कितना हो गया? जीरो। इस फोर्स का टॉर्क कितना हो गया? जीरो। दो की कैलकुलेशन हो गई। अब बाकी कितने बचे? तीन। तीन में से कैलकुलेशन करते जाइए। इसकी लेंथ कितनी है? एल। ये वाला एन इधर बनता है तो इसके आर्म की लेंथ बताइए। तो आंसर है इसके आर्म की लेंथ ये रही। देखिए ये क्या है? फोर्स। और ये क्या है? ओरिजिन से डिस्टेंस। भले आप इसको मान लो, भले इसको मान लो, ये फोर्स और ये ओरिजिन से डिस्टेंस। टॉर्क समझ में आया? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो यहां पर हमने एन को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? ये वाली लेंथ के साथ करना है या ये वाली लेंथ के साथ करना है? और ये लेंथ है कितनी? अगर ये एंगल थीटा है और ये एल है तो ये कितना होगा? एल कॉस थीटा। ये बेस है और ये एल है और ये थीटा है। तो दिस इज एल कॉस थीटा और इसका टॉर्क कितना बन गया? एन इंटू एल इंटू कॉस थीटा। इज इट ओके? एन कॉस थीटा। अब इसका साइन बताइए, ये प्लस लू या माइनस लू? तो आप देखेंगे अगर ये एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनाएगा तो पॉजिटिव टॉर्क लीजिए, क्लॉकवाइज बनाएगा तो नेगेटिव लीजिए। बताइए ये ऐसा गया, इस रॉड को इसने कैसा घुमाया? क्लॉक के एंटी क्लॉक। यस, ये एन ऐसा गया तो ये रॉड कैसा घूमेगा? यहां से ऐसा। ये फिक्स पॉइंट है, ठीक है, ये फिक्स पॉइंट है ये, और यहां पे फोर्स लगा ऐसे, कैसा घुमा? क्लॉकवाइज। इसलिए इसका साइन क्या लेना? माइनस। समझ आ गया? ओके, ये फोर्स खत्म। अब इसको लीजिए एफ। एफ की लाइन ऑफ एक्शन कैसी लेनी है? ये रही एफ की लाइन ऑफ एक्शन। ऐसा सोचिए ये एफ की लाइन ऑफ एक्शन है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना? लाइन दिखी, कौन सी लाइन? ये ओरिजिन है,
यहां से फोर्स पर ये लाइन दिख रही है और इस लाइन की लेंथ कितनी है? एल इंटू साइन थीटा। तो ये वाला टॉर्क कितना हो गया? फ्रिक्शन इंटू एल साइन थीटा। किधर घुमाएगा ये? क्लॉक की एंटी क्लॉक। अरे इतना क्यों सोचना, ये ऐसे गया तो ये ऐसे घुमा, ये कैसा है? एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक के कारण इसका साइन क्या बनेगा? प्लस। ठीक, ये फोर्स हो गया, इस फोर्स का टॉर्क हो गया, और कौन सा फोर्स बचा? एमजी। ये एमजी ऐसा काम करता है नीचे, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां है? ये वाला डिस्टेंस कितना है? तो आंसर है ये डिस्टेंस है एल बाई टू। अगर ये डिस्टेंस एल बाई टू है, ये एंगल थीटा है, थीटा, ये एल बाई टू, ये थीटा, तो बताइए ये लेंथ कितनी हुई? एल बाई टू इंटू कॉस थीटा। ओके, तो ये फोर्स कितना हुआ? दिस फोर्स इज एम जी इंटू एल बाई टू कॉस थीटा। ठीक है, ओके, और कोई फोर्स बचा? कौन सा? हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस वाला उधर भेज दीजिए या इन दोनों को इधर भेज दीजिए। सो दिस इज एन एल कॉस थीटा, एन एल कॉस थीटा इज इक्वल टू एल साइन थीटा प्लस ओके। अब ये क्या है? एन। इस एन को भी हम हटाना चाहते हैं। ये एन किसके बराबर है? ये इस इक्वेशन को यूज करिए और इसमें एन की वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं। अरे इधर ध्यान दीजिए, क्या इस इक्वेशन से हम एफ की वैल्यू निकालेंगे तो काम चलेगा? आंसर है नहीं, क्योंकि इसमें एक अननोन क्वांटिटी कौन है? एन। जबकि हमारी नोन क्वांटिटीज क्या है? एन, एम, एल और जी। तो एन को भी हमने एलिमिनेट करना है, उसके लिए हमारे पास इक्वेशन है, ये हमने पहले से बना के रखे। तो ये पहला इक्वेशन हमको किसकी वैल्यू देता है? एन की वैल्यू देता है। इसको यहां रख दीजिए। सो दिस विल बी एम जी प्लस एम जी बाय टू इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ एल साइन थीटा प्लस एम जी एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कहा? इधर एल। ठीक है, तो ये जो अब हमारा इक्वेशन बना, इसको अब आप आगे सॉल्व करिए। इसकी वैल्यू निकालनी है एल की, चलो जल्दी करिए। दोनों तरफ से एल कैंसिल करो, एफ को एक तरफ करो, बाकी क्वांटिटीज को एक तरफ करो। और निकालिए एफ की क्या वैल्यू आती है। Thank you.
The question says, a smooth semicircular wire track of radius capital R. ये इसका रेडियस है R. It is a smooth semicircular fixed in a vertical plane. ऐसा वर्टिकल प्लेन में है जैसा ये भी दिख रहा है. वन एंड ऑफ ए मासलेस स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ 3R/4. स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कितनी है? नेचुरल लेंथ का मतलब होता है अगर हम ना उसको खींचे ना कंप्रेस करें तो उसकी लेंथ कितनी है? 3R/4. ओके, इज अटैच्ड टू द लोएस्ट पॉइंट O. ए स्मॉल रिंग ऑफ मास M. यहां पर हमने इसको एक रिंग पहनाया. ए स्मॉल रिंग ऑफ मास M विच कैन स्लाइड ऑन द ट्रैक इज अटैच्ड टू द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग. इसका मास कितना है? M. ये इसका मास है. ओके, द रिंग इज हेल्ड स्टेशनरी एट पॉइंट P. ये है पॉइंट, इस पॉइंट का नाम है P. ये नीचे वाला पॉइंट है P. यहां पर हमने उसको खींच के वहां पर रखा P पर. ओके, सच दैट स्प्रिंग्स मेक एन एंगल 60. फिर से समझिए इस बात को. ये स्प्रिंग यहीं तक आता था, हमने इसको खींचा और खींच के ऐसा करते चले गए, यहां ले गए, खींच के कितना ऐसा ऊपर ले गए कि एंगल क्या बन जाए? 60. उतना हमने उसको खींचा ताकि ये एंगल 60 बन जाए. अदरवाइज ओरिजिनली हो सकता है ये नीचे रहा हो. अब ये खींच के हमने इसको 60 लाए और 60 लाने से इसका रिंग कहां पहुंच गया? पी पे, दूसरा एंड. ओके, द स्प्रिंग कांस्टेंट के इज इक्वल टू mg/r. दिस इज गिवन. कंसीडर द स्ट्रेंथ व्हेन द रिंग इज मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल. ओके, consider the instant when the ring is making angle 60 degree with the vertical. The spring is released. यहां तक हम इस रिंग को खींच के ले गए. जब ये 60 डिग्री आया तो हमने इसको छोड़ दिया. छोड़ने से ये स्प्रिंग वापस आएगा, फोर्स लगाएगा, वापस आएगा. वापस आएगा तो ये जो छल्ला बना हुआ है ये इधर तो आ नहीं सकता. किधर जाएगा? इसके साथ साथ नीचे आएगा. यहां से ऐसे खिसकते जाएगा और फाइनली स्प्रिंग को अगर यहां आना है तो ये ऐसे आएगा, यहां तक आ जाएगा. तो ये यहां से खिसकना शुरू करता है. ओके, द स्प्रिंग इज रिलीज्ड. तो हमारे दो क्वेश्चंस हैं. पहला, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द रिंग. ये फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ रिंग. और दूसरा क्वेश्चन है, डिटरमाइन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऑफ द रिंग. टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है? ये रिंग यहां से ऐसा कितना एक्सीलरेशन लेता है उसको क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन. और क्या निकालना है? नॉर्मल रिएक्शन. यहां पर नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल डायरेक्शन हमेशा किधर होती है? टुवर्ड्स सेंटर. इधर जो नॉर्मल रिएक्शन काम करता है इसकी वैल्यू निकालनी है. ये दो चीजें हमको निकालनी है, एटी एंड नॉर्मल रिएक्शन, राइट? ये हमारा क्वेश्चन है. अच्छा, क्वेश्चन समझ में आ गया सिचुएशन. अब शुरू करते हैं. इसमें पहला है, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम में एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि आप सब तरह के फोर्स कंसीडर करते हो या नहीं. तो याद रखिए, फ्री बॉडी डायग्राम में जब आप सब तरह के फोर्स बनाते हैं
तो कौन कौन से फोर्स होते हैं? याद रखो, जिस चीज के पास मास है और वो अर्थ के ऊपर है तो उस पर कौन सा फोर्स काम करता है? एमजी। एमजी आपको बनाना है बॉडी, ठीक है? अगर वो वर्टिकल प्लेन में है तो उस पर एमजी काम करेगा, कंपोनेंट फिर हम उसके बनाते रहेंगे जो भी होगा। दूसरा, कोई भी चीज स्प्रिंग जब तना हुआ रहता है तो उस पर कौन सा फोर्स काम करता है? स्प्रिंग का फोर्स, टेंशन। जब कोई चीज चल नहीं पाती है उसको कोई रोकता है? रिएक्शन, ठीक है? ये सब फोर्सेस हैं जो नॉर्मली हमारे डायग्राम में काम में आते हैं, इनके बारे में सोचिए। और ये पॉइंट पी हमने बनाया, ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर कौन कौन से फोर्स काम करेंगे? तो देखिए यहां पर इधर कौन सा फोर्स काम करेगा? स्प्रिंग का फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। इधर कौन सा फोर्स काम करेगा? नॉर्मल, नॉर्मल फोर्स के कारण ये इधर नहीं जा सकता और इधर नहीं जा सकता। नीचे कौन सा फोर्स काम करेगा? एमजी। एमजी इधर काम करेगा, स्प्रिंग का फोर्स इधर काम करेगा और ये रिंग इसको एक रिएक्शन देगा, वो रिएक्शन इधर काम करेगा। ये अब इन तीनों को देख के आपको समझ में आता होगा कि ये तो यहां रुकने वाला नहीं है, क्यों? इधर कोई फोर्स ही नहीं, तो ये नीचे आएगा ही आएगा और इसमें क्या आ जाएगा? एक एक्सेलरेशन जो कि हम निकालेंगे। एनीवे, तो ये हमारे फोर्स बन गए। तो ये हमने बनाया दिस एमजी और यहां से ये है रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग और इसके नॉर्मल यहां पर बनेगा दिस नॉर्मल रिएक्शन। एन की डायरेक्शन सरफेस के नॉर्मल होती है, एन की डायरेक्शन सरफेस के नॉर्मल होती है, तब वो इक्विलिब्रियम में होता है। क्यों? क्योंकि अगर एन की डायरेक्शन ऐसा नॉर्मल नहीं होगी, ऐसे होगी, तो इस एन के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट कहां जाएगा? ऊपर, और दूसरा कंपोनेंट इधर। ये जो कंपोनेंट इधर जाता है इसके कारण ये ऑब्जेक्ट ऐसा चलना शुरू कर देगा और हम क्या जानते हैं कि ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा है इक्विलिब्रियम, इसलिए ये जो कंपोनेंट है n cos थीटा ये कितना होना चाहिए? जीरो। अगर n cos थीटा जीरो है तो cos थीटा कितना होगा? जीरो। cos थीटा जीरो है तो थीटा कितना होगा? थीटा इज इक्वल टू 90। इसलिए नॉर्मल फोर्स कैसा होता है? 90 डिग्री। ओके, तो ये यहां से 90 बनाता हुआ, तो ये बन गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। अच्छा, इस फ्री बॉडी डायग्राम को अगर हम और डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए ये एंगल कितना है? 60। इसको हमने खींचा और खींच के यहां पर पी तक ले आए, पी से हमने इसको जोड़ा, ये इसकी नेचुरल लेंथ है 3r/4 और इसमें क्या दिया गया है? 60 डिग्री विद द वर्टिकल। क्या आप बता सकते हैं कि अगर ये एंगल 60 है ये कितना होगा? ये कितना होगा? कैसे? कोई तरीका बताइए। बड़ी छोटी सी चीज है, ये है O, O से यहां, सॉरी ये O हमने ऑलरेडी मान लिया, ये C, C से O तक का डिस्टेंस कितना होता है? रेडियस। तो C से P तक का डिस्टेंस भी कितना है? रेडियस। तो ये भी R, तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया? इक्विलेटरल नहीं, आइसोसेलेस। ये R और R के बीच में किया था, इक्विलेटरल है बात में, पहले क्या आइसोसेलेस, तो ये है 60, तो ये भी कितना हुआ? 60। अब ये दोनों 60-60 हैं, तो ये भी कितना होगा? 60। अब ये क्या बन गया? इक्विलेटरल।
अगर ये इक्विलेटरल है तो यहां से यहां की लेंथ बताइए। ठीक है, ओके। फिर यहां पर आइए वापस, ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री। इस MGKO हमने दो कंपोनेंट किए, एक नॉर्मल के इधर, ये वाला जो स्प्रिंग का फोर्स लग रहा है इसके भी हमने दो कंपोनेंट किए, एक इधर लगेगा और एक इधर लगेगा, या हम इसको एनीवे जब जरूरत पड़ेगा तब करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम तो ये बना, MG इधर काम करेगा, फ्रिक्शन इधर काम करेगा और नॉर्मल रिएक्शन इधर काम करेगा। जिधर हमको इक्वेशन बनाना होगा उधर के कंपोनेंट हम बना देंगे, राइट? ओके, तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब हम आते हैं, हमको निकालना है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में? टेंजेंट की डायरेक्शन में, और इसमें टेंजेंट की डायरेक्शन कौन सी है? ये है टेंजेंट की डायरेक्शन। अगर हमको इसमें एक्सीलरेशन निकालना है तो एक्सीलरेशन निकालने का तरीका क्या है? फोर्स निकालिए उस डायरेक्शन में, मास से डिवाइड कर दीजिए। मतलब हमको क्या पहले निकालना पड़ेगा? फोर्स। अब इतने जो फोर्स लगे हुए हैं इसमें से हमको इस फोर्स की वैल्यू चाहिए, तो पहले हम देखते हैं कि क्या हमको ये फोर्स मालूम है, और फिर इक्वेशन पे बात आ गई कि इक्वेशंस बनाएंगे जिसमें ये हमारी एक डायरेक्शन है ये, और इसके परपेंडिकुलर ये दूसरी डायरेक्शन है। ये इसके परपेंडिकुलर क्यों है? क्योंकि ये है टेंजेंट और ये है रेडियस, ये रहा रेडियस और ये रहा टेंजेंट, तो यहां पर हमको निकालना है 80। ओके, तो हम कंपोनेंट किसके करते हैं? दो फोर्सेस हैं हमारे पास, mg और फोर्स ऑफ द स्प्रिंग। अब एंगल बनाइए और इसके कंपोनेंट निकाल लीजिए। अगर ये f है तो इसका इधर का कंपोनेंट कितना आ गया? f cos 60। और ये कंपोनेंट कितना आ गया? f sin 60। ठीक है, f cos 60, f sin 60। अब mg, mg के लिए हमको ये एंगल चाहिए, ये एंगल बताइए कितना होगा? आप लोग प्रूफ कर लीजिए, दिस एंगल विल बी 60। प्रूफ करके देखिए आएगा, ये टोटल एंगल कितना होता है इन दोनों के बीच में? 90। ये हॉरिजॉन्टल है, ये 60 है, यहां से यहां तक 90 है, तो ये एंगल 30 हुआ। ठीक है, अगर ये एंगल 30 है तो उसके बाद इन दोनों के बीच में फिर से निकालिए और प्लस माइनस करके देखिए कैसे आएगा। स्ट्रेंथ का रिडल है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों के बीच एंगल कितना है? 90, जिसमें ये 60, तो ये कितना हुआ? 30। ये ठीक है, इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर है टेंजेंट, और इस लाइन पर ये वर्टिकल परपेंडिकुलर है। अगर इन दोनों के बीच एंगल 30 है तो इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा? 30, क्योंकि इस पर ये परपेंडिकुलर और इस पर ये परपेंडिकुलर, इसलिए ये वाला एंगल कितना हुआ? 30। ये वाला एंगल कितना हुआ? 30। अब अगर ये एंगल 30 है और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ये वाला एंगल कितना हुआ? 6। इसलिए ये वाला एंगल इस डायरेक्शन में ये कितना है? 60 mg के साथ। तो इधर कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा? mg cos 60 इधर काम करता है, तो इधर कितना काम करेगा? mg sin 60।
ओके। तो ये एंगल का रिडल आप सॉल्व कर लेंगे। मैं इसको फिर से साफ करके बनाता हूं। पॉइंट पी यहां पर है, एम सी इधर काम करता है, यहां पर जो कर्व आया है दैट कर्व इज इस तरह से है, ये इस पर नॉर्मल। ओके, यहां पर स्प्रिंग है, यहां से स्प्रिंग लगा हुआ है और ये एंगल है 60, इसलिए ये एंगल भी कितना है 60। ये mg है तो इस डायरेक्शन में फोर्स कितना होगा mg cos 60, इस डायरेक्शन में कितना होगा mg sin 60। इस f का इधर कौन सा कंपोनेंट काम करेगा, दिस इज 60 सो दिस इज 30। इसको हम लिख सकते हैं f cos 30 या f sin 60, दोनों का एक ही मतलब। तो इस डायरेक्शन में ये नेट फोर्स आया, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब इसमें m इज गिवन क्वांटिटी, g इज नोन क्वांटिटी, sin 60 मालूम है, f नहीं मालूम, तो हमको क्या निकालना है, f। f निकालने के लिए ये क्या बना, नेट फोर्स। f कैसे निकालेंगे, f निकालने का तरीका देखिए, f कौन क्रिएट कर रहा है, स्प्रिंग। स्प्रिंग जो फोर्स क्रिएट करता है उसका हमारे पास फॉर्मूला है, f इज इक्वल टू k इनटू x, व्हाट इज x, एक्सटेंशन। तो इसमें कितना एक्सटेंशन हुआ, अब देखिए अगर ये 60 60 60 है और ये वाली लेंथ r है तो ये लेंथ भी कितनी हो गई r, ये फैलाई हुई लेंथ कितनी है r। अगर फैलाई हुई लेंथ r है तो इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, 3/4 r, तो एक्सटेंशन कितना हो चुका है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, ये f की वैल्यू आ गई। अब बताइए इस तरफ नेट फोर्स कितना हुआ, नेट फोर्स इज इक्वल टू f साइन 60, सॉरी f की वैल्यू रख देते हैं k r by 4 साइन 60। ओके, अगले स्टेप में वैल्यू रख देंगे प्लस एम जी साइन cos 60 साइन 60, ठीक है, साइन 60 दिस बी डिवाइडेड बाय एम। ओके, तो अब इसकी वैल्यू रखिए, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, रूट थ्री बाय टू दोनों में है, कॉमन निकल जाएगा, सो दिस इज √3/2 एम, यहां बचा ए आर, ओ नो थोड़ा सा इसको करेक्ट करना पड़ेगा, यहां 4 आएगा, और ये वाला 4
mg अपॉन r, ये हमने रखा mg अपॉन r, r कैंसिल हो गया, ये क्या हुआ mg रूट थ्री प्लस 4mg रूट थ्री डिवाइडेड बाय 8m, m m कैंसिल हो गया, रूट थ्री कॉमन निकला, जी कॉमन निकला, तो कितना आ गया ये जी रूट थ्री अपॉन थ्री। ये आ गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ओके, मैथमेटिक्स में इसमें मैथमेटिक्स बात की चीज है, पहला स्टेप है फिजिक्स, फिजिक्स के इक्वेशन हमने इसमें कैसे कैसे बनाए, फिर से सुनिए, इसका हमने फोर्स निकालना है, फोर्स कैसे निकाला, फोर्स इज इक्वल टू के एक्स, व्हाट इज एक्स, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन हमने कैसे निकाला, गिवन लेंथ कितनी थी 3r by 4 और डायग्राम से हमको पता लगा 60 60 60 से कि एक्सटेंशन होने के बाद लेंथ कितनी हो गई है 1r, इसलिए एक्सटेंशन हमने कितना निकाल लिया r by 4। ये अगर एक्सटेंशन है तो फोर्स कितना हो गया kr upon 4, हम चाहते हैं तो यही k की वैल्यू रख देते हैं mg upon r, अगर यहां हम mg upon r करते mg upon r तो ये कैंसिल होता है, कितना आ जाता है mg upon 4, ये करना चाहिए था, छोटा हो जाता, ये किसकी वैल्यू निकाली हमने, स्प्रिंग का फोर्स। उसके बाद हमने ये डायग्राम बनाया और एंगल वाली रीडर सॉल्व करके सबके कंपोनेंट बनाए, किस डायरेक्शन में, टेंजेंट और रेडियस, ये टेंजेंट की डायरेक्शन और ये रेडियस की डायरेक्शन, mg cos थीटा ने इसको बैलेंस किया, दूसरे फोर्सेस ने बैलेंस किया और F का इधर वाला कॉम्पोनेंट mg का इधर वाला कॉम्पोनेंट दोनों को जोड़ दिया, इनको जोड़ने से क्या आ गया नेट फोर्स, और उस नेट फोर्स को किससे डिवाइड कर दिया मास, जब उसको मास से डिवाइड किया तो क्या आ गया एक्सीलरेशन। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब